हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अगला जो पेपर है परसों 10th क्लास के बोर्ड का पेपर है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा, आधा घंटा आपका लगेगा, आधा घंटा या जितना भी समय लग जाए पूरा वीडियो देखिएगा, आपका बहुत फायदा होने वाला है। अंत तक वीडियो का देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे आपको फायदा हो तो अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, SCF ऑफ 96 एंड 404, तो SCF 96 और 404 का 4 होगा, और आप याद रखिएगा SCF दो नंबर देगा आपको और उसका SCF निकालना होगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फॉर सम इंटीजर ऑफ m, एवरी इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ, जो इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा, इवन मतलब सम, तो वो होगा 2m के फॉर्म में। अगर ऑड इंटीजर होगा तो वो जो है 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो आप याद रखिएगा, इंटीजर की बात करें, अगर इंटीजर आपका इवन है तो 2m होगा सम है तो, और अगर आपका इवन ऑड है तो 2m प्लस 1 होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के आपके जो जीरोज हैं वो ax स्क्वायर प्लस bx इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और अल्फा बीटा उसके जीरोज हैं, तो उसका सम कितना होगा, उसका योग कितना होगा, तो उसका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस b अपॉन a होगा, और अल्फा बीटा अर्थात प्रोडक्ट या इसे हम कहें गुणनफल जो है वो हमेशा c अपॉन a होता है। इन दोनों में से 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब अगर आपकी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है तो उनका a1 वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 वन अपॉन बी टू है, तो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है, और जो है ये एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करके जाती हैं। ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होता है, और समी जो आपकी रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अर्थात समांतर गुजरती हैं। ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अगर है तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, और लाइन कोइंसिडेंस होती है, एक दूसरे के ऊपर जाती है, अर्थात समरेखी एक ही रेखा में होती है। इन तीन में से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी 100% आएगा। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजन, तो ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 होते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होगा, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन वो होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपका इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अर्थात वर्ग समीकरण, और यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट, आपका डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे डी अगर जीरो के इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो मान लो है, तो यहाँ पे इक्वेशन के रियल रूट होंगे, अर्थात यहाँ पे समीकरण के जो हल है वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, जबकि डी अगर जीरो से बड़ा है तो जो है वास्तविक होंगे और एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, मतलब इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे। डी अगर छोटा है जीरो से तो इस केस में इसके कोई हल नहीं होते, नो रियल रूट्स, या फिर हम कहें इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इन तीन में से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, अगर नहीं आए तो पेपर देने के बाद आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। कॉमन डिफरेंस जो है डी इक्वल टू आपका होगा ए टू माइनस ए वन, एन इक्वल टू आपका जो एपी है, एन इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन डी, एस एन कितना होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे ऑल सर्कल्स जो है सिमिलर होते हैं और ऑल स्क्वायर्स जो है वो भी सिमिलर होते हैं, सारे के सारे वृत्त जो है समरूप होते हैं, और सारे के सारे जो वर्ग हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू बाय वन प्लस बाय टू अपॉन टू होंगे, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन होता है, टेन थर्टी की वैल्यू वन बाय रूट थ्री और टेन सिक्सटी की वैल्यू जो है रूट थ्री होती है, सेक नाइन्टी माइनस थीटा, जो सेक नाइन्टी माइनस थीटा है वो आपका कोसेक थीटा होगा, कॉट थीटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होगा, टेन नाइन्टी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, साइन नाइन्टी वन होता है, कॉस नाइन्टी जो है जीरो होता है, कॉसेक सिक्सटी इक्वल टू टू होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा होता है। वैसे भी अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे ये फार्मूले अगर याद कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है।
इसी तरीके से cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा आपका जो है tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। बुक से देख के ये सारे फार्मूले पढ़ लीजिएगा, आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, इससे हटके जा ही नहीं सकता। इसके बाद अगर टेंजेंट कोई सर्कल, टेंजेंट की सर्कल है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और किसी भी जो सर्कल है उसकी जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उन्हें वहाँ पे हम उन्हें सेकेंड कहते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो है पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क आर्क इक्वल टू होगा पी अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2lb प्लस bh प्लस hl होगा, वॉल्यूम क्यूबाइट का l प्लस इंटू बी इंटू एच होगा, क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब होता है और क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो l इंटू बी इंटू एच होता है। टोटल सरफेस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा और वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच होता है। मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 1 के इक्वल होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो है 0 के इक्वल होगी। किसी भी घटना के होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो सम है वो 1 होता है। आप ध्यान से पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव इसमें से बहुत सारे आपके कवर हो जाएंगे, बाकी आपने साल भर पढ़ाई की है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा। Find SCF of 135 and 225 by equivalency division logarithm. Express 140 as a product of its prime factor. Given the SCF 306, 657 equal to 9 and find the LCM 306 and 657. Find a quadratic polynomial whose sum and product is 0 or 1 by 4 and minus 1 respectively. इसके जैसे थोड़े से क्वेश्चन देख लीजिएगा। सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यहाँ पे एक आपका परीक्षा बोर्ड में या क्वेश्चन बैंक में एक चेयर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और एक ऑरेंज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। इसके बाद सॉल्व द इक्वेशन 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस चैप्टर में से एक आध वर्ड्स प्रॉब्लम देख लीजिएगा। विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 एज -81 चेक करना है। -150 जो है 11852 में कोई टर्म है या नहीं है, किस ऐसे एपी को एपी फाइंड आउट करना है जिसका थर्ड टर्म 16 और 7 टर्म जो है 12 ज़्यादा है किससे, आपके फिफ्थ टर्म से। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। किसी भी ट्रेंगल में डी पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ पे ये ट्रेंगल बना हुआ है, यहाँ पे आपको ईसी फाइंड आउट करना है। दो पॉइंट के बीच में आपको फाइंड द डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है 2, 3 और 4, 1। किसी न किसी से पॉइंट, किसी न किसी दो पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालने के लिए देगा। किसी भी ट्रेंगल से आपको ट्रेंगल के पॉइंट देगा, जैसे मैंने लिखा 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। इसका हमें एरिया निकालना है। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan इक्वल टू 4/3 है तो हमें sin a की वैल्यू निकालना है। अगर tan 2a इक्वल टू cot a - 18 है तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालना है। ये कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप करके देख लेंगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ऑफ कॉन्फिडेंस में पेपर करके आ पाएंगे जब आपने पढ़ा नहीं हो तब। आगे की क्वेश्चन था, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इस थ्योरम को आप कर लीजिएगा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 5.8। इसकी आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन एक ट्रेंगल का जिसको सिमिलर बनाना है साइड के इक्वल, जो कि 3/4 है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा बोर्ड में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड, मतलब से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन भी लिखा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंगल 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसको आप करके देख लीजिएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपको एक कैप्सूल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे तीन जो है सर्कल्स हैं जिनके रेडियस 1, 2, 3 हैं और इनको मिला के एक बहुत बड़ा सर्कल स्फीयर, सॉरी सर्कल बोल रहा था स्फीयर, और इनसे बड़ा स्फीयर बना रहे हैं। उसको बड़े स्फीयर का वॉल्यूम निकाल के देख लीजिएगा, या दो क्यूब को एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं उस वाले क्वेश्चन को आप करके देख लीजिएगा। आपको स्टेटिक्स से
मोड और मीन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मेरा सजेशन ये है, आप मोड वाले क्वेश्चन को करके आइएगा, वह आपके लिए आसान पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी से P इक्वल टू 0.05 दिया है, तो P नॉट ही निकालना है, इसको 1 में से माइनस करना होता है। इसी तरह से P इक्वल टू 0.992 दिया हुआ है, तो नॉट P निकालना है, इसको कर लीजिएगा। और आप क्वाइन अगर कोई क्वाइन फेंकते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होती है, और टेल आने की कितनी होगी, 1/2 होती है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। मैंने ब्रीफ में सिर्फ IMP आपको रिवीजन के लिए बताए हैं, और मैंने सॉल्यूशन आपको इसलिए नहीं बताया कि आप जिन एक दिन का टाइम बचा हुआ है, आप जिन टीचरों से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा है, आप उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। मेरे वीडियो को सामने रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ये कोई IMP क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कहीं से मैंने ना कॉपी किए, ये मेरे अनुभव से, मेरी मेहनत से मैंने IMP क्वेश्चन निकाले हैं। इन IMP क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत काम आएंगे। अगर आपका थोड़ा भी फायदा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं अगला वीडियो अगले सब्जेक्ट का बना पाऊँ और आपकी किसी भी प्रकार से मदद कर सकूँ, किसी भी प्रकार से आपके काम आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय